मम्मी बनाने जा रही है चटनी। मम्मी कौन सी चटनी बनेगी? ये बनेगी लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर सबकी चटनी बनेगी। इन सबों की बनेगी। तो मम्मी के हाथ की चटनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, धनिया वाली, हमारी बचपन से फेवरेट है कि नहीं? जय ले लहसुन खा ले ऐसी कच्चा। तो ये बच्चा एवरीबॉडी, माय नेम इज धीरसानी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने फ्लिपकार्ट से अपनी सिस्टर के लिए कुछ मंगवाया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी सिस्टर से करवाऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग। ये देख सकते हो बॉक्स में क्या लग रहा है आपको, गैस करो। ये ले, क्या है देख ले क्या है। आज भी कुछ लेके आए क्या? हाँ। अरे हाँ, मुझे याद आया एक बात, इसको अनबॉक्सिंग करने से पहले जो कल क्रीम मंगवाई है ना तूने, हाँ, उसमें वो बिल्कुल पानी पानी हो रहा है। दिखाइयो एक बार क्रीम, दिखा पहले। बिल्कुल अभी लेके आते हूँ। पता नहीं कैसा प्रोडक्ट, ऐसा थोड़ी होता, लिक्विड होता है। ये देख पानी पूरा भर रखा है, पता नहीं पानी है या गुलाब जल है। तो इसका बिल है ना, दिख, डालियो हाथ पे। हाँ बिल है, ये देख पानी की तरह निकल रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। ओ हाँ, नकली है, दे दिया मतलब, कभी कभार गलती हो जाती है ना। बिल गिरा, बिलियरा रिप्लेसमेंट में डाल देता हूँ फटाफट। हाँ, रिप्लेसमेंट में डाल जल्दी। मैंने कैसा फ्लिपकार्ट, कैसा प्रोडक्ट भेज दिया, ये भी फ्लिपकार्ट से मंगवाया। इसको भी चेक कर लियो, रुक जा पहले रिप्लेसमेंट में डाल देता हूँ, फिर करते थे चेक। तो मैंने इस वाले फोन से ऑर्डर करा था, तो रिप्लेसमेंट में मैंने डाल दिया। तो अब उस वाले बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं स्पीड में, बहुत स्लो करती है तू। आज थोड़ी फुर्ती आ गई। क्या है? शैम्पू है। अच्छा, ये भी मेरे लिए मंगवाया। वाह थैंक यू, बहुत प्यार आ रहा है मुझसे। यही वाला शैम्पू लगाती है ना? हाँ यही लगाती हूँ मैं। थैंक यू। ये देख ले, इसे चेक कर ले, ये ओरिजिनल लग रहा है ना? हाँ, ये यूज करने के बाद ही लगे, पता लगे। हाँ। सही होगा, सही है एकदम। 205 खत्म हो गया था ना, इसलिए मैं कह रही थी कि मेरे को लाना है, लेके आ जा। सही है, ले आया। ये कर्ली वाल है ना मेरे, अब देखियो इसको लगाने के बाद ना सिल्की हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगे अब इसे यूज करने के बाद। काफी अच्छा शैम्पू है। पैराबेन फ्री है ना, देखिए पैराबेन फ्री है, केमिकल नहीं है इसमें। तो ये ट्यूबलाइट लगने जा रही थी हमारे घर में, तो वाली तो खराब हो रही है, अब याली लगा रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है उसकी सांसें अटक गई, ऐसी चल रही हो। लाइटिंग थोड़ी कम लग रही है, तो जब ही मैं उस साइड लगवा रहा हूँ एक और, तो भाई एक और लेने गया है, दो कल लाए थे हम, तो दो तो कम पड़ गई है। इसे देखो, ये भी आ चुका है शैतान। अबे तू ही फिटिंग कर दे यार, सही फिटिंग कर देगा भाई। याली नहीं, याली फिटिंग कर, ये वाली, ये याली तो अपने घर करियो फिटिंग। ले जा अपने घर पे, आप ही ले जाओ अपने घर। मैं अपने घर में हूँ, और कहूँ उधर चिपका दू। अबे ये आली रहने दे, तू फोड़ फाड़ देगा वैसी, शैतान है बहुत। नहीं वीडियो नहीं बन रहा ना, अच्छो वीडियो में। हाँ बोल भी क्या रहे हो, वीडियो बन रहा है, कोई फोन लेके खड़ा है ऐसे, फ्लैश लाइट भी चल रही है, रिकॉर्ड हो जाओगे, कैद हो जाओगे कैमरे में, जैसे जिन कैद होता है ना वैसे कैद हो जाओगे कैमरे में, है कि नहीं बंद? जिनको एक बार छू तो निकल जाता है। सही आ रही है रोशनी भी, मेरे को तो कम लग रही है लेकिन। कुछ दिन के बाद चश्मा पहन कर बैठना पड़ेगा। सही कह रही है, इतनी लाइट ये कम है। हाँ वो देख, वंश आ गया, देख रहा है ना वंश तू अपने आप को। ये वाली ट्यूबलाइट आई है, ये 24 वोल्ट की है, इसकी काफी अच्छी ब्राइटनेस है। ये वाली जो ट्यूबलाइट है ना, इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है, भैया बता रहे थे इसकी उससे ज्यादा है, हमें तो पता था नहीं, नॉलेज थी नहीं इतनी। तो हम 36 वोल्ट की लाए थे, ये वाली 24 वोल्ट की है, और इसकी मतलब उन दो के बराबर एक है, काफी अच्छी मतलब ब्राइटनेस आ रही है। A few moments later. ये डांस करे, अब तो लाइट लग गई, नाच नाच, नाच ये कैसा डांस कर रही है मम्मी, ये तो डांसर बनना चाहती है। खाना वाना खा लेते हैं, काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं। तो फिलहाल मेरे लिए मेरी सिस्टर खाना लेके आ चुकी है, ये भुजिया थी आलू की, और ये पराठे थे, पकोड़े भी बने। ये बन रहे हमारे घर में मीठे पकोड़े, भाभी बना रही है। भाभी इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है आपने? मैंने उसमें मिलाई हूँ सोप, अजवाइन। सोप अजवाइन? हाँ। अच्छा मरेले? अच्छा गुड़? गुड़। और मैदा सूजी। इतना कुछ? अच्छा लगता है खाने में? अच्छा, मेरा तो बहुत अच्छा लगता है। आपको मतलब काफी पसंद है इसलिए बना रही हूँ, इसलिए बन रही।
A few moments later. मम्मी बनाने जा रही है चटनी. मम्मी कौन सी चटनी बनेगी? ये बनेगी लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, सबकी चटनी बनेगी. इन सबों की बनेगी. तो मम्मी के हाथ की चटनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, धनिया वाली. हमारी बचपन से फेवरेट है कि नहीं? बहुत अच्छी लगती है. हम जब भी मतलब मम्मी बनाती है ना, तो हम बहुत रोटी खा जाते हैं इसके साथ. मजा आ जाता है मम्मी के हाथ की चटनी खाने में. हाँ, मम्मी समझाएंगी कैसे मतलब प्रोसेस है पूरा इसका. मम्मी इसकी रेसिपी क्या? सबसे पहले मिर्ची डालेगा. मिर्ची डालेगी, फिर लहसुन डालेगा, फिर दोनों पक जाएगा, तो फिर इसको प्लेट में रख के फिर टमाटर डालेगा. अच्छा, फिर टमाटर डालेगा, फिर धनिया के पत्ते डालेगा. हाँ, फिर इसको पका के. हाँ, मैं आपको रेसिपी की पूरी डिटेल दिखाता रहूंगा कैसे मतलब इसका पूरा प्रोसेस है, मम्मी मतलब कैसे बनाती है. तो वीडियो में बने रहना. मिर्ची पक चुकी है, लहसुन पकेगा. फूट गया ये तो, पटाखे फूट रहे हैं मिर्ची के. ये देखिए मिर्ची की हालत भी कैसी होती है. पट कर दिया, फट पट कर दिया इसकी तरह. अब मम्मी ने डाल दिया लहसुन, क्योंकि लहसुन के बिना स्वाद नहीं है, है ना मम्मी? ज्यादा लहसुन पड़ता है ना तो टेस्टी बनता है चटनी. लहसुन अब हो चुका है, अब धनिया पकेगी. अब धनिया रखने जा रही है मम्मी. जब भी चटनी बनती है ना, ये डंगर पता नहीं कितना खा जाती है. Oh my God! Wow! एक कटोरा तो लेके, एक कटोरा लेके बैठ जाती है चटनी का खाली. बढ़िया से ऐसे से घुमा के अच्छी तरह से इसको पकाना पड़ता है, तो अच्छा खुशबू आता है इससे चटनी में. खुशबू तो एक नंबर, मजा आ गया. ऐसे पलट पलट के ऐसे करके इसको पकाना पड़ता है बढ़िया, तब चटनी बहुत अच्छा लगता है. अब धनिया पक चुका है, अब इसको अब यहाँ पर रख दे. अब दूसरा वाला इसको धनिया को फिर इसको डाल दे पकने के लिए. इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मम्मी बनाती है ना तो मजा सा आ जाता है. कसम से मम्मी के हाथों खाना खा के मजा सा आ जाता है एकदम. काट रही हूँ, अब इसको पकाना पड़ेगा. पक चुका है, अब इसको रखने जा रहा है प्लेट में. अब यहाँ रख दिए, अब इसको टमाटर के तवा में अब पकाने जा रहा है. इसको पलट पलट के पकाना पड़ेगा, पक जाएगा. इसको पकने में 2-3 मिनट लगेगा, ज्यादा ना लगेगा. ये ले लहसुन खा ले ऐसी कच्चा. ये टमाटर पक चुका है, अब इसमें नमक तेल मिला के अब इसको अब सिलट पर पीसना है. सही से लगा ले, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को दिहाड़ी के. सही से पूरे घर में लग जाना चाहिए, एक एक कोना, कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए. एक भी पैसा नहीं मिलेगा दिहाड़ी का. सही से ये देख, यहाँ पर पानी है थोड़ा, ये देख. मार किस ले दिया मम्मी, समझाने इसको. मार दिया. अभी ये इसको बोल रहा है तो बड़ी बहन से थोड़ा अच्छा से बात करती है. तो मजाक की तो कर रहा हूँ, ये मार दिया तो सीरियस में. मम्मी पूरी वीडियो बनाने में लग गया, पागल है क्या? बंद कर. नहीं. A few moments later. तो मम्मी ने सिलवट्टा ले लिया. अब सिलवट्टे में मम्मी चटनी पीसने जा रही है. देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है मेरे को तो. अब इसको कर दिए यहाँ पर आधा आधा, दो बार पीसना पड़ेगा ना. आधा आधा इसमें, आधा आधा मिर्ची, लहसुन, टमाटर, धनिया, इसमें नमक, इसमें सरसों. ये देखिए मम्मी कितनी अच्छी लग रही है पीसते टाइम. जब तक इसको पीसना है सही से ही मिस हो रहा है, जब तक ले इसको पीसना है. अब ये सही से मिक्स होने लग गया है, देख सकते हो आप. मन तो कर रहा अभी थोड़ी बहुत चेक करने के लिए खा लूं. मम्मी से पिटाई नहीं खानी ना मेरे को. अभी चेक नहीं कर सकता इसी मारे, कहीं पता लगे मम्मी मेरे को भी पीस दे.
प्लेट रख देता हूँ, इसमें मम्मी चटनी रखने वाली है। अब पिस चुकी है लगभग, चटनी अब पिस चुकी है। पिस गई ना मम्मी? अब पिस गई है। मन तो कर रहा है खा के देखूं कैसी लग रही है, लेकिन अभी चेक नहीं कर सकता ना मम्मी, इतनी पिटाई नहीं खानी मेरे को। अभी दूसरी वाली इसमें। ये देखियो कितनी टेस्टी लग रही है देखने में, रोटी के साथ खाने में मजा ही आ जाता है। A few moments later. ये क्या खा रही है? खा जाऊंगा मैं, मैं दे रहा। ये सर देख, थोड़ा सा दे दे। आराम से मांग रहा हूँ, लड़ाई नहीं चाहती तो आराम से दे दे। आराम से दे दे। ये क्या दे रही है? थोड़ा अपने वादे से नहीं मुकरती। मेरे साथ भी इस दिन किया था ना नमकीन, भूल गया? कोई नहीं, नमकीन के साथ कैसा किया था। मम्मी ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया, तू भी खा ले। मैं बाद में खाऊंगा, मेरे को भी भूख नहीं है। आजा खा ले चटनी पिसा, अच्छा लग रहा है चटनी। हाँ हाँ वो तो लगेगा ही, अब खाना भी स्टार्ट कर दिया मम्मी ने। हाँ हाँ अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगा ना मैं। A few moments later. तो मेरा खाना खाने का टाइम है, मम्मी के हाथों की चटनी खाऊंगा। यह आ चुका है मेरा खाना, ये मेरी चटनी और ये रोटी, अब खाते हैं, मजा आ जाएगा लग रहा है। थोड़ा सा भी नहीं छोड़ूंगा, सब खा जाऊंगा, पूरा चाट जाऊंगा। बहुत मस्त बनी है, मजा सा आ गया खाने में। मन कर रहा पूरा जो मतलब जितनी बनाई थी ना मम्मी ने, अकेले मेरे को दे देती खाने में, मजा सा आ गया एकदम। तो अब करते हैं पर वीडियो का एंड। बाय बाय गाइस, लव यू टू ऑल डेविल फैम।